हालेलुया। आपने बड़े बड़े सूरवीरों को जन्म दिया है, पास्टरों को जन्म दिया है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे और उसका अनुग्रह सारी माताओं के साथ बना रहे। और हर बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो माता और पिता का आदर करें। उन्होंने इतने कष्टों से आपको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, पर कई बार ऐसा होता है कि हम उन माताओं को पिताओं को दुख देते हैं जब हम जवान हो जाते हैं और वो बुजुर्ग हो जाते हैं। जब हम बच्चे थे तो उन्होंने कितनी कठिनता से हमको पाला पोसा पढ़ाया, कहाँ से कर्ज लिया ये बच्चों को मालूम नहीं रहता। कैसे वो रात रात भर उनके लिए जगे उनके दुख और तकलीफ में। इस कारण हर बच्चे अपने माता और पिता का आदर करें। आज उनका दिन है। हालेलुया। हम संदेश में जाएंगे। आपको ठीक ठाक लग रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है? हाँ, एक नया ज्ञान मैं आज आपको दूंगा। 6 आवश्यक कदम, 6 बात ही बताऊंगा, उतने में ही हम सबको समझ में आएगा। 6 आवश्यक कदम आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए। आध्यात्म का मार्ग, इसको अपन कह सकते हैं वो धर्म का मार्ग। ईश्वर की इच्छा के अनुसार से यदि हम चलना चाहते हैं, बाइबल के अनुसार से यदि हम चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु के साथ यदि हम चलना चाहते हैं, तो 6 आवश्यक कदम आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए। हालेलुया। पर इसमें चलना काफी कठिन सा मालूम होता है, बहुत कठिन लगता है आध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए, क्योंकि आध्यात्म के रास्ते के बारे में लिखा है मत्ती रचि सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, 7 अध्याय और उसके 13 पद और 14 पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है फाटक और चाकर है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचा देता है, और बहुते हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है फाटक और सकरा है वो आध्यात्म का मार्ग जिसमें थोड़े लोग प्रवेश करते हैं। ये रास्ता सकरा है, आध्यात्म का रास्ता, आत्मिक रास्ता, एक सकरा रास्ता है और इसमें हमको चलना होता है। तो कठिनाई महसूस करते हैं हम कि ये बहुत कठिन है, पर नहीं, वो कठिन नहीं है, वो सरल है। हालेलुया। हमारा मन हमको धोखा देता है, हमारा मन हमको धोखा देता है कि हम परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, सरल है वो। तो ये आध्यात्म का रास्ता है जो बहुत सकरा है और इसमें चलना होता है हम लोगों को। हालेलुया। तो आध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए सबसे पहला कदम हमको उठाना है और वो है निर्णय लेना है। हालेलुया। एक फैसला करना है कि हमको क्या करना है, चलना है नहीं चलना है प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो आप एक पहले फैसला कर लीजिए, एक निर्णय ले लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। हालेलुया। 1985 में जब प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात किया था, अब मैंने अपना जीवन उसको दिया था, तब मेरी उम्र 23 साल थी, आज 70 साल है। हालेलुया। ऐसा मैं लगता नहीं हूं, हालेलुया। तो उस समय मैंने अपना जीवन दे दिया प्रभु यीशु मसीह को और मैंने एक फैसला किया था, निर्णय किया था, प्रभु से मैंने कहा था कि
प्रभु मैं जो कुछ करूंगा आपके लिए करूंगा, ऐसा एक फैसला किया था, मैंने निर्णय लिया था। और ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि आज जो फैसला मैं लिया था आज भी उसमें बना हुआ हूँ। हालेलुया, आज भी बना हुआ हूँ, आज भी मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो आध्यात्म का ये रास्ता है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत लोगों ने अच्छा निर्णय लिया है इस रास्ते पर चलने के लिए। जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको बताऊं कि किन लोगों ने ये निर्णय लिया था, ये फैसला किया था कि वो आध्यात्म के रास्ते में चलेंगे, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलेंगे, वो इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, ये आत्मिक रास्ता में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप यहोशू की पुस्तक उत्पत्ति निर्गमन लय व्यवस्था गिनती व्यवस्था विवरण यहोशू छठवीं पुस्तक बाइबल की और उसका 24 अध्याय आखिरी अध्याय के 15 पद को आप पढ़ेंगे, उसके ऊपर वाले लाइन को और नीचे वाले लाइन को आप पढ़ेंगे तो देखिए प्रजा की स्थिति ठीक नहीं थी, वो दो विचारों में लटके हुए थे। तब यहोशू उनके सामने खड़ा हुआ और कहा आज प्रजा के लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। नीचे वाले लाइन में लिखा है पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया, और उसने अपना फैसला प्रजा के सामने सुना दिया, तुमको चलना है तो चलो ईश्वर के साथ और नहीं तो मत चलो, पर मैं और मेरा परिवार ईश्वर के साथ ही चलेगा। हालेलुया, इस व्यवस्था के अनुसार से चलेगा, इस आत्मिक रास्ते में चलेगा, इस आध्यात्म के रास्ते में चलेगा, तुमको जो करना है वो करो, पर मैं वो करूंगा जो व्यवस्था कहती है। हालेलुया, ये बहुत अच्छा फैसला था समाज के सामने, समाज एक तरफ और यहोशू और उसका परिवार एक तरफ। यह है आध्यात्म का रास्ता जिस पर यहोशू चल लिया। हालेलुया, जब आप राजा की दूसरी पुस्तक और उसका 23 अध्याय को पढ़ेंगे, 23 अध्याय के 3 पद जो है वो विशेष है। एक दिन योशिया राजा अपने लोगों से कहा कि मंदिर को व्यवस्थित कर दो, जो बर्तन वहाँ टूट गए हैं, जो पात्र टूट गए हैं उसको देख लो, जहाँ बदलना है बदल लो और जहाँ बनाना है वहाँ पर बनाओ, पूरे मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करो, व्यवस्थित करो मंदिर को योशिया। तो जब लोग उस मंदिर की सफाई करने गए, सारे मंदिर के सामानों को व्यवस्थित करने गए, रखने गए, तब क्या हुआ, उनको एक वहाँ पर मंदिर में पुस्तक मिली, व्यवस्था की पुस्तक, और वो लोग राजा के पास लेकर के आए और कहने लगे कि राजा साहब हमको ये व्यवस्था की पुस्तक मंदिर में मिली है। तो राजा ने कहा पढ़कर सुनाओ उसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने उसको पढ़ करके सुनाया। तब राजा ने पूरी प्रजा को इकट्ठा किया मंदिर के पास और मंदिर के खंभे के पास खड़ा होकर 3 पद में उसने कहा मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगा और जो कुछ इसमें लिखा है उसका मैं पालन करूंगा। हालेलुया, कहने का मतलब ना तो मैं दाहिने मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, जो कुछ इसमें लिखा है वैसा ही मैं करूंगा, मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया, यह है अध्यात्म का रास्ता। सकरा जरूर है पर चलने वालों ने मानव फैसला सुना दिया है प्रजा के सामने कि हम ईश्वर के साथ चलेंगे, उसके साथ उठेंगे और बैठेंगे। हालेलुया, एक नाम प्रभु यीशु मसीह का है जो हमारी तरह एक इंसान होकर इस पृथ्वी पर आया था और उसने क्या कहा था, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं अपनी नहीं। हालेलुया, उसने भी चल करके दिखाया अपने भेजने वाले की इच्छा, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूं अपनी इच्छा नहीं। ऐसे कई नाम हैं जो परमेश्वर के साथ चले, हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चल जाए, ठीक है उस समय व्यवस्था नहीं थी पर ईश्वर का भय तो था,
पवित्रता नाम की भी तो कोई चीज थी। बहुत रास्ते पर चला, ऐसे कई नाम हैं जो इस सकरे रास्ते पर बड़ी आसानी से चल गए। आध्यात्म का रास्ता, सबसे पहले हमको आज निर्णय लेना होगा कि हम प्रभु के साथ चलें या ना चलें, फैसला करना होगा हमको। हालेलुया। दूसरी बात, यदि हम इस रास्ते पर चलें, हमने फैसला कर लिया है, यदि आपने फैसला कर लिया है और आप चल भी रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी बात, यदि आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि 6 महीने हम उसके साथ चले और कोई आके हमको भटका दिया क्योंकि हमारे पास वचन का ज्ञान नहीं। हम केवल यही जान रहे हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु प्रभु है, और यहां यही जानना ही काफी नहीं होगा, हमको उसके नियम की जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसके वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई आपसे कह दे परमेश्वर की भी कोई औरत है और तब यीशु मसीह पैदा हुआ है, और देखो हमारे पास्टर ने आज तक हमको बताया नहीं। वचन के ज्ञान नहीं होने के कारण आज कितने लोग क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। इसी कारण जब कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप पास्टर से पूछो, और किसी के लिए अपना घर का दरवाजा मत खोलो। ऐसे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं जिनके पास वचन की शिक्षा नहीं है, फिर वो कहेंगे कि रविवार के दिन आराधना नहीं करना है, शनिवार के करना है, ये कहेंगे। कितने लोग शादी करने से, विवाह करने से रोकेंगे। ऐसी कई बातें हैं जो देखने और सुनने में आती है। तो इस एक पास्टर के पास भी वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और एक विश्वासी के पास भी वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम पास्टर किसी से समझौता कर लिए 2 पैसे के लिए, जैसे आहाब राजा खुद पाप में गिरा और प्रजा के लोगों को भी पाप में गिरा के रख दिया। तो पास्टरों को भी समझना होगा, उनके पास वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई ऐसी शिक्षाएं हैं, कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो दबे पांव घर में घुस जाएंगे और आपको गलत शिक्षा देंगे। केवल यीशु ही सब कुछ है, बाकी और कोई नहीं। हालेलुया। केवल यीशु ही सब कुछ है, ऐसी शिक्षा देंगे। और यीशु मसीह कहता है जो मेरा इनकार किया वो मेरे भेजने वाले का इनकार कर दिया, और जो मेरे भेजने वाले का इनकार किया उसने मेरा इनकार कर दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हालेलुया, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हम केवल यीशु करेंगे और कहेंगे कि कोई पिता नहीं है, कोई पवित्र आत्मा नहीं, तो ये गलत शिक्षा होगी। इसी कारण हमारे पास वचन का ज्ञान होना जरूरी है। हम पास्टर किसी से समझौता ना करें 2 पैसे के लिए। जिस प्रजा को यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है, हम उन्हें अंधकार में ढकेल नहीं सकते अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, कि हम समझौता कर लिए और हम गलत शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। इसी कारण वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फैसला अपने जगह सही है कि हम प्रभु के साथ चलेंगे, और यदि हमारे पास प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हम कभी भी ठोकर खा जाएंगे और भटक जाएंगे। हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा, हमारी संगति सब कुछ खत्म हो जाएगी। ऐसा हुआ है वचन के ज्ञान नहीं होने के कारण। तिमुथियुस की 2 पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 17 पद में क्या लिखा है,
आप वहां अंडरलाइन कर सकते हैं, हुमेनियस और फिलेतुस ये चर्च के दो जवान थे, इनके पास वचन का ज्ञान उतना अच्छा नहीं था। और वो क्या कह रहे हैं, हुमेनियस और फिलेतुस, पुनरुत्थान हो चुका है, पुनरुत्थान हो चुका है। जबकि पुनरुत्थान में दो बातें होगी, एक तो मुर्दे पहले जिंदे होंगे और जो जिंदे हैं उनका रूपांतरण हो जाएगा, दोनों बातें। पर देखिए वो खुद विश्वास से भटक गए और बहुतों को विश्वास से क्या कर दिए, भटका दिए। क्यों लोग उनकी बात में आ गए, इस कारण हमारे पास वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यहां क्या हो गया, इस कलीसिया में भटका के रख दिए दो जवान, खुद भटके। पुनरुत्थान के बारे में अच्छी जानकारी, मसीह के आगमन के बारे में अच्छी जानकारी, उद्धार अर्थात पापों की क्षमा के बारे में हमारे पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रेम, उसके विश्वास, पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसके वरदान, ये सब अलग अलग विषय हैं, इसका अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई कई बार लोग बोलते हैं कि चंगाई उन दिनों में होती थी, अभी नहीं होती, आज से 2000 साल पहले चंगाई हुआ करती थी। परमेश्वर ने आत्मा उस समय के लोगों को दिया है, आज लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं कर सकते, और जिन्होंने पाया है वो झूठे हैं, जो चंगाई है वो सब झूठी है। आपके पास वचन का ज्ञान होना जरूरी है, हालेलुया। हर विषय को लेकर के, बपतिस्मा को लेकर के, अब आपका बपतिस्मा हो गया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, अब कोई आएगा यीशु के नाम से ही लो, ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कई बार लोग ठोकर खाए, गलाती की पत्री रोमियो कुरंथियों गलतियों, और उसका एक अध्याय उसके 6 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस ने क्या लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतनी जल्दी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर फिर गए। देखिए भटके लोग पौलुस के समय में, और ही प्रकार का सुसमाचार, यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना है, वही सही है, और जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया वो गलत है। और हम इधर भी ले लिए एक बार और उनकी बात मान करके उधर भी ले लिए, तो चर्च आना ही काफी नहीं है, बाइबल खरीद के पढ़ना ही काफी नहीं है, उसको समझना बहुत जरूरी होगा। हालेलुया। उसी गलाती की पत्री 3 अध्याय के 1 पद में क्या लिखा है, फिर पौलुस लिख रहा है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुमको मौन दिया, तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था, कौन तुमको भटका रहा है, किस शिक्षा की ओर तुम मुड़ गए, निर्बुद्धि गलतियों। हमको इतना भी निर्बुद्धि नहीं होना है, हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, लोग आपको, आप केवल पीला भाग को देख रहे हैं, हाँ पीला सोचे तो सोना है, पकड़ा दिया 5000 तोला में और हम खुश हो गए, ये देखो खुश होकर बता रहे हैं मिस्टर को और वो मिसिस को बता रहे हैं, वो 5000 में, पैसे की बहुत जरूरत थी तो 5000 में वो ले लिए, यह दिया हमको 1 तोला सोना 5000 में, और वो उसको सोनार के पास ले गए तो सोनार बोला तो पीतल है। ऐसे ये निर्बुद्धि गलतियों के साथ ले, हमको बुद्धिमान बनना है, पर समाज के लोग कबूतर की नहीं, भोले तो बहुत बन जाते हैं पर वो बुद्धिमान नहीं बन सकते, ये 40वां कन्वेंशन है। हालेलुया। अब समय के हिसाब से हमको गुरु हो जाना चाहिए, पर अभी भी हमको बोतल में दूध पिला रहे, ये ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं, हम दूध पीते हुए बालक बन गए, पौलुस कहता है गुरु हो जाना चाहिए था आपका। हालेलुया। तो आज हमारे पास वचन का ज्ञान, नियम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह 8:7 में क्या लिखा है,
आकाश में लगलग इर्मिया आग का साथ। पंडुक्की सुपाबेनी भी अपने नियत समय को जानती है, पर इसराइल मेरा नियम नहीं जानता। आज इस नियम की अच्छी जानकारी होना चाहिए। हालेलुया। उन पक्षियों को देखो, वो अपने आने और जाने का समय जानते हैं, पर इसराइल को आज तक नियम नहीं मालूम। आज गलाती की कलीसिया को मालूम नहीं वचन, भटक रहे हैं वो। तो वचन का ज्ञान बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम वचन को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और किसी भी अनजान के लिए आप द्वार मत खोलिए। देखिए, मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, 35 साल खत्म हो गया मेरे को सेवा करते करते। मैं किसी भी के दरवाजे में नहीं जाता कि मैं इधर आया था तो आपसे मिलने आ गया, और ऐसा करके लोग घुस जाते हैं और गलत शिक्षा दे देते हैं। मैं किसी चर्च के मेंबर के यहाँ जाना पसंद नहीं करता। हमारे ही चर्च में 1000 मेंबर हैं, हमारे पास समय नहीं। हालेलुया। 10-11 चर्च है हमारा, और जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी नहीं। कभी कभी मैं श्लोकों को देखता था, कहीं कहीं दूसरे स्टेट से आते हैं, मैं यहाँ आया था, आपके बारे में पता चला तो आपसे मिलने आ गए, और फिर आपके पास्टर को मालूम नहीं कौन आया कौन गया। बस केवल पास्टर सुनकर हम एकदम उछलने लग गए कि कोई पास्टर आया है। और बहन लोगों को ज्यादा सावधान रहना। देखो, भाई लोग तो घर में रहते नहीं, ड्यूटी में चले जाते हैं, और जो गलत रहते हैं वो तभी जाएंगे कि हाँ बहन अकेली है, भाई पास्टर हूं, ऐसा इधर आया था इधर आ गया। मैंने अपने 35 साल की सेवकाई में कभी ऐसा नहीं किया और ना कभी ऐसा करूंगा। हालेलुया। अपने काम से हम मतलब रखते हैं, काम किया और वापस चले गए, नहीं हम पैसे के लिए भटकते हैं और नहीं किसी लोगों को बरगलाते हैं कि वो हमारे यहाँ हैं। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं कहता हूँ ऑटो का पैसा मैं दे दूँगा। जाओ, डंकी की चोट में सेवा करता हूँ मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा विश्वासी से कि कहाँ जाओगे क्या करोगे। अपनी जिंदगी जी लो, जिस दिन ठोकर लगेगी उस दिन फिर आप खोलोगे, नाक साहब कहाँ हैं, हमको वो प्रेत आत्मा सता रही है, हमको वो शैतान सता रहा है, धमकी दे रहा है। मैं बोलता हूँ ऑटो का पैसा मेरे से ले लेना, जाओ जहाँ जाना, अभी हाथ नहीं जोड़ता मैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे से बात किया है, यीशु मसीह उसने मुझको बुलाया, तो मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी की परवाह नहीं करता। और ऐसा करते 35 साल मैंने गुजार दिया। हालेलुया। और आज मैं आपके, मेरे पास जो ज्ञान है आज उसको आप नोट कर लो। फैसला बहुत अच्छा है, पर यदि वचन का ज्ञान नहीं हो तो गलाती की कलीसिया की तरह कहीं कोई हमको आके भटका मत दे, हमारे विश्वास रूपी जहाज को डुबा मत दे। ये सावधान रहना, कोई भी आता है पहले पास्टर को बोलो। अब कई लोग दबे पांव घुस जाते हैं, हम दरवाजा खोल देते हैं। जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू है। हालेलुया। अभी द्वार को पास्टर है, एक द्वार प्रभु यीशु मसीह है, पर एक द्वार कौन है? पास्टर है। उससे अनुमति लो और घर में आओ। मैं इधर आया था उधर आया था ऐसा आया था, हाँ आपके बीच में का कोई है तो वो बात अलग है, जिसको आप जानते हैं, ये संगठन से जुड़ा हुआ कोई है, हाँ उसके लिए आप दरवाजा खोल सकते हैं। हालेलुया। कभी आप कहीं चचर बुंदा में खेखड़ा में पास्टर सुहास घुस गए तो आप दरवाजा बंद नहीं, माता वा रायपुर वाला पास्टर सब झाग गया है, वैसा मैं नहीं बोल रहा। उनको तो आप जान रहे हैं, आप सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें के लिए दरवाजा बंद कर दिए, फिर वो मेरे को फोन लगा रहे, ये देखो
आप क्या सिखा के गए तो मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं यहाँ का अध्यक्ष, मैं यहाँ का सचिव, मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष। हालेलुया। उसको समझना है, वो अपने लोग हैं, उनके लिए दरवाजा खोल सकते हैं आप, पर अनजान के लिए आप दरवाजा, पास्टर से सलाह लेना होगा, पास्टर से पूछना होगा। मैं तो आपको नहीं जानती, मैं तो आपको नहीं जानता, जरूर हो गया आप पास्टर कहीं के। ये सावधानी से, बुद्धिमानी के साथ, हालेलुया, वचन के ज्ञान में आप आगे बढ़िए, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, यदि हमको इस रास्ते में आगे बढ़ना है तो देखिए, बिना प्रार्थना के आप कैसे आगे बढ़ोगे। यीशु मसीह भी रात रात भर प्रार्थना करता था और वो पिता के पद चिन्हों पर चलता था। व्यक्तिगत प्रार्थना होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? मत्ती 26:41 में क्या लिखा है? जाते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में, और परीक्षा आई और हम भटक गए, परीक्षा आई और उस पुराने सांप ने हमको क्या कर दिया, बहका दिया और कह दिया कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे परमेश्वर के समान हो जाओगे, अभी इंसान हो, और तुम्हारा परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर बन जाओ। खाओ इस फल को, और हवा तोड़कर क्या कर ली, खा ली, अपने पति आदम को दी, दोनों खा लिए। देखिए कैसा भरमाया। इसी कारण परीक्षा में मत पड़ जाओ, प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना हमको करना है। और कई कई बार क्या होता है, जैसे लूका 18:1, प्रार्थना नहीं होने के कारण, नित्य प्रार्थना करो, लूका 18:1 में लिखा है, हियाओ मत छोड़ो। कई बार साहस टूट जाता है, हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कोई चंगाई नहीं मिली, कोई छुटकारा नहीं मिला, कोई आशीष नहीं मिला। कितना बाइबल पढ़े, कितना चर्च जाए, कितना प्रार्थना कराएं, साहस टूट गया है। कितना प्रार्थना कराएं, कितना प्रार्थना करें, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, प्रार्थना कराएं के बारे में नहीं बता रहा हूँ, प्रार्थना करें। इस कारण हमारा साहस टूट जाता है और हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबने लगता है। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री क्या होता है, देखिए प्रार्थना क्यों जरूरी है इस रास्ते में चलने के लिए। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पर 19 में क्या लिखा है, आत्मा को मत बुझाओ। ये बुझी हुई आत्मा में हमको कहां से प्रकाश मिलेगा कि हम अध्यात्म के रास्ते में चले जाएं? सामने अंधेरा है, अब कहां से हम आगे बढ़ें इस रास्ते में, अध्यात्म के रास्ते में प्रभु के साथ आगे बढ़ें? कैसे आगे बढ़े आत्मिक रास्ते में, क्योंकि अंधेरा हो गया प्रार्थना नहीं करने के कारण, हमारी आत्मा बुझ गई, अब उस अंधेरे में ठोकर लग रही है हमको, रास्ता कहां है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो वो रास्ता सकरा है, एक तरफ कुआं है और दूसरे तरफ खाई है। किसी भी पल हम कहीं भी गिर सकते हैं, इसी कारण प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कमर कस लें प्रार्थना के लिए, और यही चीज नहीं हो पाता है। हाँ पास्टर साहब, हम चर्च के लिए पंखा दे देंगे, एक पंखा हमारे तरफ से, एक लंबा चौड़ा दरी भी ले लो, ये भी हमारे तरफ से, बेंच ले लो, सब कुछ करो, वो सब हम आसान लगता है ये सब कुछ करना, पर प्रार्थना करना उतना आसान नहीं लगता। और शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना मत करो, ताकि आपकी आत्मा क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, और जब वो बुझ जाएगी तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, तब वो दबे पांव आएगा, तब वो दबे पांव आएगा, क्योंकि आत्मा बुझ चुकी है। थोड़ा देर के लिए सोचो, यदि हमारी आंखें अंधी हो गई तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आत्मा भी बुझ जाएगी तो शैतान कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये हमको पता नहीं चलेगा। और यदि हम इस रास्ते में चलना ही चाहते हैं तो हमको प्रार्थना में जीना होगा। हालेलुया, प्रार्थना।
प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय और जीने के लिए नियम यह है। हालेलुया। प्रार्थना जीवन, तीसरी बात, चौथी बात, हमारे पास संगति का जीवन होना चाहिए। यदि हम इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छी संगति होना चाहिए, क्योंकि अभी इब्रानी 10:25 में क्या लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, और लिखा है रीति विधि के अनुसार से नहीं कि हाँ आज जाना है, पर एक दूसरे को समझाओ, चिताओ, और ज्यों ज्यों मेरे आगमन को पास आते देखो और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा संगति करो, क्योंकि जब हम संगति में आते हैं हमको गवाही सुनने के लिए मिलता है, हमको वचन का भेद सुनने के लिए मिलता है, नए गीत सीखने के लिए मिलते हैं, और हमको एक दूसरे को समझाना और चिताना है। कई कई बार क्या होता है, कई बार हम नाराज़ हो जाते हैं, पास्टर हमको ऐसा बोला, पास्टर हमको ऐसा बोला, पास्टर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो दूसरे लोग क्या करेंगे, बात वैसी नहीं है। हालेलुया। समझाना है, चिताना है, जब उनके पास समय होगा जरूर आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, और यदि वो डांट भी दिए तो क्या हो गया, नहीं अकेले में डांटना था, चार लोगों के सामने डांट दिए, अब अकेले में डांटना था तो फिर और आँख लोगों की उंगली उठेगी, वो पास्टर अकेले में क्या कर रहे हैं, हाँ कहा है वहाँ अकेले में, ये है सब तरह से फंसना है, सामने डांट दिया। हालेलुया। एक दूसरे को समझाओ और चिताओ ताकि कोई विश्वास से और संगति से मत भटके, संगति बहुत जरूरी है। जहाँ पर खाना बन रहा है अभी, वहाँ एक काला कोयला लेके वहाँ डाल दो तो चूल्हा में, हाँ कैसा होगा, वो सबसे पहले उसका कलर चेंज हो जाएगा, संगति है, आग की संगति में आ गया काला कोयला और उसका कलर चेंज हो गया, उसमें रोशनी आ गई, चमक आ गई, और तीसरा जो परिवर्तन है, जला देने की ताकत उसमें आ गई है, यह है संगति का असर। हालेलुया। इसी कारण यदि हम इस रास्ते में चल रहे हैं तो संगति बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कोरोना अभी चला गया है, नहीं तो ऑनलाइन हो रहा था सब, और अभी भी इतना आदत हो गया है ऑनलाइन का थोड़े ही दिन में कि लोग चर्च नहीं जा रहे, और बहुत सारे पास्टर लोग का उसमें मैसेज आ रहा है, घर में बैठे बैठे वो सुन रहे हैं, अब भेंट कहाँ डालेंगे, सुन तो लिए भेंट कहाँ डालोगे, बड़े बड़े सेवक लोग ऑनलाइन, इसी कारण कई लोग बिगड़ रहे हैं, हाँ हम कहीं नहीं जाएंगे, ऑनलाइन ही हम आराधना करेंगे, ना वहाँ ऑनलाइन में कोई गीत है, ना कोई ताली बजाओगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक समय था कि लोग चर्च नहीं आ रहे थे, चर्च बंद था, हमारे यहाँ भी बंद था चर्च, मेरे को भी लोग कहे कि आप ऑनलाइन ही प्रचार करो, मैंने कहा उतना मज़ा नहीं आता ऑनलाइन में, बहुत सारे मेरे से भी बड़े बड़े सेवक हैं वही लोग करते रहे प्रचार ऑनलाइन, मैं नहीं करता। तो अब तो कोरोना खत्म हो गया, पर रविवार के दिन हमको क्या करना है, चर्च आना है, चर्च आना है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, रायपुर में भी ऐसा कर रहे हैं, वो घर से नहीं निकल रहे हैं, ऑनलाइन ही आराधना अटेंड कर रहे हैं, और उनको कौन सिखाने और समझाएगा, ऑनलाइन वाले ये बोलेंगे चर्च जाओ, उनको बोलना चाहिए आप अपने अपने चर्च जाओ, यदि चर्च खुल गया है तो, बाकी समय आप ऑनलाइन में देख लो कोई भी संदेश। हालेलुया। कई बार ये सब ऑनलाइन भी हमको बर्बाद करके रख देते हैं और हम संगति में नहीं आ पाते, हम समझौता कर लेते हैं ऑनलाइन से, वैसे ही होगा,
हाँ परीक्षा ऑनलाइन हो जाए तो मजा है, धड़ाधड़ लिखो पुस्तक खोल के दे दो, लो पकड़ो हो गए पास। ये है ऑनलाइन का फायदा, संगति में उतना फायदा नहीं होगा ऑनलाइन में। हाँ बच्चे लोग बहुत खुश थे मुझे, हमारे छत्तीसगढ़ में हम बैंक से कुछ कुछ प्रार्थना कराए थे, आप प्रार्थना करना ऑनलाइन होना चाहिए। एक बार एक कॉलेज पढ़ती एक लड़की, भैया प्रार्थना करना ऑनलाइन होना चाहिए। हाँ मैं बोल रहा प्रार्थना कर रहा हूँ ऑनलाइन ही हो गए, ऑनलाइन हो गए, उसमें मजा है। हालेलुया, तो उसमें तो कोई फेल होने वाली बात ही नहीं है, पास वाला ही रिजल्ट आएगा हमारे हाथ में। हालेलुया, भले कहीं नौकरी लगे चाहे मत, वो बात की बात है, पर हम बता तो सकते हैं हमने बीए किया है, हम एमए किए हैं ऑनलाइन, बता सकते हैं, थोड़ा प्रभाव भी तो जानता है। हाँ सामने वाले ने एमए किया है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन का मजा। पर आराधना में हमको अब चर्च में आना है, चर्च खुल गया है, हालेलुया। संगति ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है, करना है। यदि हम इस रास्ते में चल रहे हैं, सकरे रास्ते में चल रहे हैं, तो हमको संगति बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ इस रास्ते में चलने के लिए दो और बात बता रहा हूं, फिर समाप्त करूंगा। खाना बन गया होगा? नहीं बना है, देखिए अभी नहीं बना है, अब धीरे धीरे आपको बताऊंगा। हाँ देखिए अब दो पॉइंट कहाँ, 12 बजे तक चलेगा, देखिए। क्योंकि क्या है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो संदेश जल्दी खत्म हो जाता है, और मैं वो सब याद करके वहीं से आता हूँ कहाँ क्या लिखा है। इस कारण एक घंटे का जो संदेश है वो आधा घंटे में खत्म हो जाता है। तो संगति बहुत जरूरी है, हालेलुया। ऑनलाइन से ज्यादा आपस में भी हम मिलते हैं एक दूसरे से, सुख दुख को बांट सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गवाही सुन सकते हैं, नया गीत सीखने के लिए मिलेगा, और कम से कम दो चार लोग हैं तो प्रभु भी आएगा हमारे बीच में। जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं होता हूं, ऐसा संगति प्रभु चाहता है। और आप संगति के बारे में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, और उसका 2 अध्याय और उसके 37 से लेकर 42 पद को जो हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वो पूछे कि भाइयों हम लोग क्या करें। पत्रस ने कहा मन फिरा और बपतिस्मा लो, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया 3000 लोग। और 42 पद में क्या लिखा है, और वो 42 पद में प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। संगति रखने, वो बराबर संगति कर रहे हैं। उसके 46 पद में क्या लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन और एक चित होकर के मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे। हालेलुया, प्रतिदिन प्रतिदिन। अब मुझे नहीं मालूम इधर प्रतिदिन आराधना होती है कि नहीं, पर हमारे यहाँ जहाँ पर मैं पासवान हूँ टिकरापारा चर्च का, वहाँ रोज हम बैठते हैं, रोज शाम के 7 बजे से 8 बजे, 1 घंटा बस, आधा घंटा गीत होता है, आधा घंटा प्रवचन होता है रोज प्रतिदिन। तो इस प्रकार से हमको संगति में आगे बढ़ना है, हालेलुया। और अगली बात हम देखेंगे, इस रास्ते में यदि हम चलना चाहते हैं तो बात केवल फैसले से ही नहीं होगी, वही काफी नहीं है, फैसला वचन का ज्ञान ही काफी नहीं है,
प्रार्थना ही काफ़ी नहीं है, संगति ही काफ़ी नहीं है। जो बात अभी मैं बता रहा हूँ वह बहुत बड़ी बात है। यदि आप इस रास्ते में चल रहे हैं तो पवित्रता, हालेलुया, पवित्रता ये बहुत जरूरी है। पवित्र जीवन जीना किसी पास्टर के लिए भी चुनौती होगा और विश्वासियों के लिए भी चुनौती होगी। हर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पवित्र नहीं होता, हर बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति पवित्र नहीं होता, हर चर्च जाने वाला व्यक्ति पवित्र नहीं होता। और परमेश्वर पवित्रता को महत्व देता है। यदि इस रास्ते में मेरे साथ चल रहे हो तो फिर पवित्र जीवन जीकर चलो। पवित्र जीवन, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 11:44-45 में लिखा है, मैं तुम्हारा यहोवा पवित्र हूं, पवित्र बनो। हालेलुया, पवित्र बनो। लय व्यवस्था 11:44-45 पद में, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री और उसका 4 और उसके 3 को आप पढ़ेंगे, वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। इस रास्ते में पवित्रता के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आप उसके 7 को देखो क्या लिखा है, मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं पवित्र होने के लिए बुलाया है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मन से पाप कर लें या वचन से पाप कर लें या कर्मों से पाप कर लें, वो नहीं चाहता कि हमारे मन से पाप हो जाए, वचन से पाप हो जाए। वचन से क्या पाप हो, मन में तो हम कल्पना कर लेते हैं गलत, वो पाप हो जाता है। वचन के द्वारा भी हम पाप का डालते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, श्राप दे देते हैं। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है, क्या क्या भाषा, लोकल भाषा, गामित, और गामित में एक से अच्छा अच्छा गाली है, हाँ बहुत अच्छा अच्छा गाली है, उसको देते हैं। यह वचन के द्वारा पाप सब भाषा में है, गुजराती में भी अच्छा अच्छा गाली है, मराठी में भी है। तो ये है वचन के द्वारा पाप और कर्मों के द्वारा पाप, जिसमें हमारे हाथ पैर सक्रिय हो जाते हैं। कर्मों के द्वारा चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और कई प्रकार का पाप देह के द्वारा होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है अध्यात्म के रास्ते में चलना है तो पवित्रता के साथ आगे बढ़ जाओ, पाप के साथ नहीं, पाप के लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहाँ आकर के हम सोचने के लिए मजबूर हो गए। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, ऊपर का पॉइंट सब अच्छा था, और यहाँ कहाँ आप हमको ढकेल दिए पवित्रता में। और वो तो हो पाएगा ही नहीं हमसे कभी भी, नहीं जैसा मैं पवित्र हूं। पत्रस की पहली पत्री उसका 1:15-16, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। 16 में पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। हालेलुया। ये बहुत चुनौती वाली बात है। ज्ञान तो हम हासिल कर लेंगे, फैसला भी कर लेंगे आपके साथ चलने के लिए, चलो टूटी फूटी प्रार्थना से भी काम चला लेंगे, संगति भी आप बोल दिए तो कर लेंगे, पर ये पवित्रता के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रभु आप थोड़ा सा रुकिए, सोच के बता रहे हैं, बाकी सब ठीक है पर ये पॉइंट थोड़ा कठिन लग रहा है हम लोगों, ये कहीं से भी ऑनलाइन नहीं लग रहे, ये तो ऑफलाइन ही है।
कहीं से ऑनलाइन नहीं लगता है, इतना सरल नहीं है। पर परमेश्वर उम्मीद कर रहा है हम सबों से कि आप पवित्र जीवन ही बिताओ। हालेलुया। पवित्रता, आखिरी बात मैं आपको बताऊं, ये सारी बातें अच्छी है। आप यदि इसको लिख लिए हैं तो ये बहुत अच्छा है। जहां तक मैंने जाऊंगा वहां आप बता दो, क्योंकि मेरे को तो यही आना है, अब तक यही आता रहा और कहीं गया नहीं। सूरत में नहीं गया, सोनगढ़ तरफ नहीं गया। सूरत वाले भी यहीं आ जा रहे हैं, सोनगढ़ वाले भी यहीं आ रहे हैं, इसी कारण जाने के लिए अवसर नहीं मिला आगे। तो अब जो है सारे पॉइंट अच्छे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता साफ है, अब दौड़े चलो आध्यात्म के रास्ते में। नहीं, चौकसी बहुत जरूरी है। यदि आप एक आत्मिक जीवन जीना चाह रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीना चाह रहे हैं, तो आप लापरवाह नहीं हो सकते। चौकस रह करके, सावधान होकर के इस जिंदगी को जीना है। चौकसी किस बात की चौकसी करें हम? देखिए ये आखिरी पॉइंट है, चौकस और चौकन्ना होकर के, सावधान होकर के आप आगे बढ़ो इस रास्ते में। आप ये मत कहिए आप कोई डर नहीं है, रास्ता साफ है, आगे बढ़ते चले। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो आगे चौक चौराहे में शैतान मिल जाए और रास्ते से भटकाने की कोशिश करे। चौकन्ना रहना है हमको। देखिए कुछ बात बता के मैं आपको समाप्त करूंगा इस संदेश को, पढ़िए। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार, आध्यात्म के रास्ते में चलने में क्या गड़बड़ी आ सकती है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म के काम मत करना। देखिए कई बार हमने पढ़ा 2 पद में लिखा है, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवाना। 5 पद में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर। 16 पद में लिखा है, जब तू उपवास करे तो लोग तुझे उपवासी मत जाने, मैं जानू तुझको उपवासी, इसी कारण मुंह धो, तैयार रहे। हालेलुया। यह है सावधानी। यदि इस रास्ते पर चल रहे हैं और यहां पर कुछ गड़बड़ी हो गई 2-3, तो फिर हमारा पैर स्लिप हो गया, फिर से उठकर के अब आगे बढ़ना होगा उस रास्ते के लिए। 3 बातें यहां पर लिखी है धर्म के काम। अवल सावधान रहो, चौकस रहो, ये सब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात उसी में, किस बातों के प्रति हम चौकस रहे और चौकन्ना रहें। बहुत सारी बातें हैं, 1-2 बातें आपको मैं इधर उधर से बताऊंगा। लूका की सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और 15 पद को आप पढ़ेंगे तो देखिए वहां क्या लिखा है, चौकस रहो, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ, ये 10वीं आज्ञा है व्यवस्था की। लालच, तो किसी के किसी वस्तु का लालच मत करना। तो लोभ से हमको बचते हुए आगे बढ़ना है। बिलाम का क्या हुआ? आपने यदि बाइबिल पढ़ा है, भविष्य सकता बालाक ने कहा आकर के इसराइलियों को श्राप दे दे, मैं तेरे को मुंह मांगा वरदान दे दूंगा। फंस गया वो, मुंह मांगा वरदान मतलब वो ऐसा चेक देगा जिसमें साइन कर देना है और खुद लिखना है कितना करोड़ रुपया, बस ब्लैंक चेक एक दे रहा है बालाक। इसमें आप उसको भरना है 10 करोड़ 20 करोड़ चाहिए, ऐसा। ये फंस गया बिलाम। यहूदा स्पति क्या हुआ? आध्यात्म के रास्ते में तो अच्छा चल रहा था, अब क्या हो गया? सौदा कर रहा है अपने प्रभु का, वो भी 30 टुकड़े चांदी में, उसकी फ्री कीमत है।
फांसी लगा के मराओ, फांसी लगा के मर गए। लोभ, रुपये का लोभ और कई प्रकार का लोभ है जो हमको अध्यात्म के रास्ते से भटका देता है। हम समझौता कर लेते हैं कई बार और संस्था हमको पैसा देती है। मैं संस्था के खिलाफ में नहीं हूँ, जैसा परमेश्वर आपको बुलाया है वैसा आप आगे बढ़िए, पर कई कई बार सेवक लोग क्या करते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं। और दिल्ली से कोई आया तो हाँ ठीक है, हम आपको रिपोर्ट भेज देंगे दिल्ली, आप हमको पैसा दे दो। और दिल्ली वाले को ये नहीं मालूम है कलकत्ता से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली वाले को बुला करके उसको पहले भेज दिए खाना पीना खिला के, फिर कलकत्ता अलग बुला है, उससे 5,000 लिए, इससे 5,000 हो गए, हमारी रोटी बन गई 10,000 की। यह लोग पैसे का लोग, जब मैं बाइबल कॉलेज से निकला था तो मुझको पता नहीं था कि सेवा कैसी करनी। मैं सोचा कि मेरे से जो पहले पहले पास्टर हैं सीनियर सब कहीं ना कहीं से जुड़ के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हर महीना हमको 2 पैसा मिल रहा है, सब कहीं ना कहीं से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, अच्छा है, कोई पाप नहीं है, जुड़ो ईमानदारी से काम करो। मैं एक संस्था के साथ जुड़ गया, वो मेरे को 400 रुपये देते थे। देखिए 1-1.5 साल के बाद बंद हो गया, मैं दूसरी संस्था से जुड़ गया, वो मेरे को 600 रुपये देते थे। मैं देखा कि उनकी तो डॉक्ट्रिन ही अच्छी नहीं है, शिक्षा सिद्धांत छोड़ो उनको। मैं तीसरी संस्था से जुड़ गया, वो लोग मेरे को 700 रुपये देते थे, वो भी 1-1.5 साल के बाद बंद हो गया। तो जो जिनके साथ मैं जुड़ा था एक सीनियर पास्टर के साथ, वो एक दिन आए, 1 साल गुजरने के बाद आए, हम उसे पूछे काम कैसा चल रहा है। मैंने कहा अच्छा चल रहा है पास्टर साहब, आप एक काम करना, मैं साल भर का रिपोर्ट तैयार करूंगा कहाँ कहाँ काम चल रहा है, 700 रुपये के हिसाब से साल भर का पैसा भिजवा देना। ऐसा मैंने पास्टर से कहा। और उन दिनों उतना ऑटो भी नहीं चल रहा था रायपुर में, एक रिक्शा बुलाया, रिक्शा वाले को मैं किराया दिया, बोले बस स्टैंड पहुंचा दो पास्टर, पास्टर चले गए। हम प्रार्थना में बैठे, हम प्रतिदिन प्रार्थना में बैठते थे, तब परमेश्वर ने कहा पुत्र मेरी तरफ देख, मैं तो इसको बुलाया, तो कोई भी संस्था के साथ काम नहीं करेगा। हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा आप मेरे को पहले बता देते तो याकूब के कुएं में इतना दूर पानी भरने नहीं आता, आप पहले क्यों नहीं बता दे। मैं तो वही सोच रहा हूँ, ये संस्था से जुड़ना है, वो संस्था से जुड़ना है, जैसे सीनियर लोग जुड़ जुड़ के काम कर रहे हैं, मेरे को तो कोई सिखाने समझाने वाला नहीं, मैं तो नया नया हूँ। प्रभु आप पहले बता देते तो ये घाट घाट का पानी मैंने पीता भी नहीं। कितना पैसा दे देंगे संस्था वाले, मुझको हर महीना 1,00,000 रुपये चाहिए, है संस्था में दम, किसी भी संस्था में दम है, 1,00,000 रुपये चाहिए मेरे को हर महीना, किसी में नहीं है, कोई संस्था में इतनी ताकत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में ताकत है। अरे बोले ये रकम तू पकड़ हर महीना, मैं तेरे को दे रहा हूँ, रख इस पर, कोई संस्था ही पैदा नहीं हुई जो तेरे को 1,00,000 रुपये ले लेंगे, मैं तेरे को देता हूँ 1,00,000 रुपये हर महीना पकड़। हालेलुया। किसी के साथ नहीं हूँ मैं और भविष्य में किसी के साथ रहूँगा भी नहीं, मैं तो खुद अपने वर्कर लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं खुद सहायता करता हूँ उनकी। हालेलुया। आज उस स्थिति में जी रहा हूँ, पर कई लोग भविष्यवक्ता दर्शन देखने वाले पास्टर वो लोभ लालच में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अध्यात्म के रास्ते में हम चल रहे हैं,
तीसरी बात, बातें बहुत सारी है। देखिए चौकसी के बारे में तीसरी बात बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, आज मैंने सेवकों के सामने अपनी बात रख दी। देखिए वो प्रभु जिसकी सेवा आप करते हैं मैं भी करता हूँ, पर मैं डंके की चोट पे सेवा करता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता हूँ। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बुलाहट की ताकत है, ये कॉलिंग है ये। हालेलुया, मेरी जो ताकत है वो बुलाहट की ताकत है। जिसको परमेश्वर बुलाता है उसको भूखा नहीं सुलाता है। 16:15 को आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, देख मैं चोर की नहीं आ रहा हूं, धन्य है वो जो जागता रहता है, चौकस और चौकन्ना सावधान रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वस्त्र की चौकसी करता है, वस्त्र के प्रति हमको चौकस रहना है, क्योंकि शैतान जो है इस वस्त्र को नजर रखा है। और वो कौन सा वस्त्र है? उद्धार का वस्त्र, वो श्वेत वस्त्र, वो श्वेत वस्त्र। हालेलुया, ऐसा एक वस्त्र परमेश्वर ने हमको दिया है, हालांकि वो दिखाई नहीं देता हम लोग को। आपने लूका की सुसमाचार 15:11 से पढ़ा है 24 तक उड़ाऊ पुत्र के बारे में। जब उड़ाऊ पुत्र घर से चला गया, ठोकर खाकर वापस आ गया, तो पिताजी ने सेवकों से क्या कहा? ये मेरा बेटा मर गया था और अब जिंदा हो गया था और अब मिल गया है, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ। तो जब ये घर छोड़ के गया था तो पुराना कपड़ा लेके गया था और अच्छा वाला को छोड़ दिया था, कहाँ से अच्छा वस्त्र आएगा, सब तो फाट डाला है वहां अच्छा वस्त्र को, और कहाँ से आ गया? यही है उद्धार का वस्त्र, जो अपने पापों को मान लेता है। हालेलुया, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे ऋषि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊ, लाओ अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाओ, श्वेत वस्त्र। हालेलुया, हर पश्चाताप करने वालों के लिए। और इसी पर नजर है प्रकाशित वाक्य 16:15 के अनुसार से शैतान की, इसी तरह से ये वस्त्र ले लो ताकि उनकी नग्नता जैसे आदम और हवा की सामने आ गई परमेश्वर के, और परमेश्वर गुस्सा हो गया, उनको बगीचे से निकाल दिया, उनको चर्च से भी निकालेगा। शैतान कहता मैं नहीं निकालूंगा, मैं अपना काम करूंगा, तुम्हारा प्रभु तुम्हारा काम करेगा, वो तुमको धक्के मार के निकालेगा, वो इतना शातिर है। तुम अपने बेटे को, अपने भाई और अपने बहन को खुद अदन की बारी से निकालो, मैंने उनको फल खिला दिया है, तो जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, पेट के बल चला गया, श्राप। यह है वस्तु जो हमारी आत्मिक नग्नता को परमेश्वर के सामने लाना चाहता है, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। वस्त्र की चौकसी करो ताकि नंगा ना फिरे और तो लोग तुम्हारा नंगा पड़ना देखें, ये लिखा है वहां पर। देखिए एक उदाहरण बता रहा हूं, समाप्त करूंगा जल्दी। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 और उसके 30 से आप आगे पढ़ेंगे, हर सेवक उसको पढ़े, वहां एक बहुत बड़े संदेश है, हर लोग निकाले लूका 10:30। और मैं तो चाहता हूँ, मुझे तो मालूम है वहां पर क्या लिखा है, पढ़िए कोई ऊंची आवाज में, आपके बाइबल में क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतारे, डाकुओं ने घेर करके मारा उसको, अच्छा, और मार पीट कर उसने क्या क्या उतार लिए, कपड़े उतार लिए और मार पीट करके बेहोश हालत में उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब हर पढ़ने वाला समझे ये कैसा डाकू है कि मार पीट रहे हो और हमारा पहना हुआ कपड़ा उतार रहे हो, और जींस को इतना जल्दी उतरता नहीं है, तुम धरे रह जाओगे। हम तो जींस पहन के आते हैं टाइट टाइट और घर में बैठते हैं सोफा में, और भाई लोग को बोलते हैं खींच दो खींच दो, ऐसा करके हम उतारते हैं भाई बहनों को छोटे से, ठीक ठीक इसको इतना टाइट रहता है वो, और तुम डाकू हमारा तो जींस उतरेगा नहीं, कोई आएगा पुलिस घर तक पहुँचेगा तुमको, तुम हमारा सूटकेस वाला कपड़ा ले जाओ, तुम्हारा अंगूठी ले जाओ, तुम्हारा हमारा मोबाइल ले जाओ, चैन ले जाओ, ये ले जाओ, तो हमारा कपड़ा क्यों उतार रहे,
ये कैसा डाकू है? ये वही है, चौकस रहो, परमेश्वर कहता है, और अपने वश की चौकसी करो। ये वो डाकू नहीं है जो आपका सूटकेस का कपड़ा लेके भागेगा, या आपका मोबाइल है, चैन, अंगूठी लेके जाएगा, वो बोलेगा जो जींस पहने उसको उतार दो। ये सफेद वाला, ये एक दिन एक बच्चा सुनसान जगह में कुआं था और वहीं से एक रास्ता था, और वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। एक राहगीर घर से जा रहा था, वो बच्चा को अकेला देखा और तरस खाया उस पर, उसके पास गया और बच्चे से कहा, क्या हो गया बेटा, पता क्या हो गया? वो और चिल्ला के रो रहा है और कुछ बोला नहीं, कुआं की तरफ इशारा कर दिया। राहगीर को समझ में आ गया इस बच्चे का कुछ ना कुछ कुएं में क्या हो गया, गिर गया। राहगीर बिना देर किए अपना कपड़ा उतारा, वहाँ रखा, और कुएं में क्या हो गया, उतर गया। जब वो कुएं में तो उसको कुछ नहीं मिला, जब ऊपर आया तो उसका कपड़ा गायब था। देखिए, कपड़ा गायब था, वो शैतान बच्चे के रूप में आया था और कपड़ा लेकर के चला। मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। धन्य है वो जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता। ये डाकू वस्त्र उतार के ले गया, ये है श्वेत वस्त्र, उद्धार का वस्त्र। इस वस्त्र पर उसकी नजर नहीं है, आप कितना भी अच्छा पहन के आओ। शैतान को, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है, मेरे को श्वेत वस्त्र लेना देना है। ये इसी कारण हमको चौकस रहना है। हालेलुया। तो अध्यात्म के रास्ते में चलने के लिए चौकसी बहुत जरूरी है। आखिरी बात पढ़ लीजिए, पत्रस की पहली पत्री 5:8। देखिए वहां क्या लिखा, उसको पढ़ी है, सचेत हो। हाँ, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इबलीश गरजने वाले सिंह के समान, और पुराना अजगर गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, खोज में है विश्वासियों के, कि किसको फाड़ के, किसको मैं फाड़ के खाऊं। यह आज हमको चौकसी बरतना है इबलीश के प्रति, उस शैतान के प्रति, धर्म के कामों के प्रति, दान प्रार्थना और उपवास के प्रति, लोभ के प्रति। हमको चौकस और चौकन्ना रहना है। हालेलुया। ऐसे और भी बातें हैं चौकसी के बारे में, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें आप किसी को सिखाना समझाना है तो और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं उसमें। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएं।